पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में राही होटल में महिला मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद गीता शाक्या रही। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद के निकाय चुनाव प्रभारी लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद रहे। विशिष्ट अतिथि नगर विधायक नितेश गुप्ता और भाजपा मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल भी उपस्थित रही। भारी संख्या में मतदाताओं से अपील की गई और कहा गया कि पहले मतदान फिर जनपाल का संकल्प सभी सदस्यों को दिलाया गया। कार्यक्रम में शहर की गणमान्य मतदाता महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता, मदालसा शर्मा, शशि चौहान, गीता शर्मा, पूनम गुप्ता, सुनीता गुप्ता, द्रोपा देवी, माया देवी, अर्चना शर्मा के साथ पार्षद का चुनाव लड़ रही सभी महिलाएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर महिला मोर्चा की टीम, मंडल अध्यक्ष तथा सभी मतदाता सदस्य उपस्थित रहीं। कैसा समर्थन यूपी में मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से मैं 4 घंटा लेट थी, उसके बाद भी मुरादाबाद की बहने इतनी देर तक बैठी रही, इससे स्पष्ट साबित हो रहा है कि निश्चित तौर से मुरादाबाद फिर विनोद अग्रवाल जी महापौर बनेंगे। और चूंकि जो उनके छूटे हुए काम और गति देंगे आगे काम करने का, विकास करने का काम करेंगे। मैम, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जा रही हैं, तो किस तरीके का माहौल भाजपा के पक्ष में आपको लग रहा है? अब देखिए, आप जानते हैं कि ऐसे ना तो प्रधानमंत्री देश में मिले हैं, ना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मिले हैं। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की जन समस्याओं को लेकर अपनी समस्या मानकर उन्होंने विकास काम कराया, जात धर्म समुदाय को से उठ के काम कराया, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए उन्होंने ये काम कराया है, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के आप देखना पहले से ज्यादा हम लोग सीटें लेके आ रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।